ये तो यार फ्रिज में कल का चावल रखा हुआ है, देखो कैसे हो गया है, इसमें भी फफूंदी लग पड़े हैं। ये आटा है। अभी मैं अफ्रीका टोगो में था, लोम सिटी में, और वहाँ का ये वीडियो दिखा रहा हूँ। अगर आप अफ्रीका कंट्री में आ रहे हो तो इस वीडियो को देख लो, यहाँ पूरा चीज रियलिटी बता रहा हूँ। मैं वही चीज दिखा रहा हूँ जो आमतौर पे लोगों के साथ होता है, यहाँ आने के बाद फंस जाते हैं। ये देखो खाने का हालात, कैसे लोग खाते पीते हैं, जितना भी आप देख रहे हो ये सब रियल है, ये सब कोई फेक नहीं है। यहाँ लोग ऐसे ही खाते हैं, ऐसे ही जीते हैं। यहाँ जितना देख रहे हो पिज्जा, चाउमीन, ये इडली, डोसा, टिक्की, यही लोग खा के जी रहा है। ये हो गया अपना बेड और ये हमारा फ्रेंड्स एस्करब, और यहाँ अलमीरा है सब लोगों का, जहाँ अंदर कपड़ा रखते हैं। ऐसे ही होता है, देख लो लोग भी ऐसा कुछ है। कपड़े धोने के लिए यहाँ आप डाल दो, मिल जाता है धोकर, वैसे ही मिलता है, जैसे आप डालोगे वैसे ही वापस मिलेगा। ये है अपना किचन एरिया, ये हम लोग बैठ के खाते हैं। किचन दोस्तों ये होता है पानी, देख लो थैले की पानी मिलती है पीने के लिए। अब आप रियलिटी देखो, फ्रिज में खाना रहता है। आलू खराब पड़ रहे हैं, आटे में फफूंदी लगी पड़ी है, ठीक। तीन चार दिन का खाना रखा रहता है खाने पीने के लिए, खाना है तो खाओ नहीं तो भाड़ में जाओ। और सैटरडे को और संडे को पाव भाजी मिलता है, यही सब तो खाने हैं, यही लोग खा के जी रहा है और जिंदा हूँ। हाथी का दांत दिखाने का कुछ और होता है और खाने का कुछ और होता है। ये सब देख रहे हो चटनी, डोसा, यही सब खा के इधर जिंदा रहने आता है। बर्तन भी खुद धोना पड़ता है, मतलब खाने के बाद बर्तन धो दो। जो खाना बनाने वाली हुए वो खाना बना के चली जाती हैं, नहीं तो अपने हाथ से देखो आलू का टिक्की है, वही जो वहाँ ब्रेड पड़ा है उसी के अंदर पिज्जा बनाओ और खाओ अपने हाथ से। सैटरडे और संडे को ही इतना मतलब करना पड़ता है। अगर आप किसी भी जॉब में आ रहे हो अफ्रीका कंट्री में तो सबसे ज़्यादा ऐसे ही फैसिलिटी मिलेगा, देख लो। रूम देख लिए, किचन देख ही लिए, और जो अपना सेठ लोग हैं बगल में उधर रहते हैं, होलसेल दुकान चलाते हैं, नीचे गोदाम जिसमें माल स्टॉक करके रखा जाता है टेम्परेरी। यहाँ ये तो छोटा गोदाम है, ऐसा गोदाम इनके पास 7-8 गोदाम है। ये है ऑफिस, इसके अंदर, और इस फ्लोर पर हम सब रहते हैं। ऐसा ही फैसिलिटी आप कहीं भी निकलोगे आपको मिलेगा। इसके अलावा कपड़ा आपको बताया ना, साफ करने के बाद धुला धुला मिलता है, यहाँ प्रेस करके रख दिया जाता है। अगर आप शॉप में आ रहे हो, कोई बड़ा होलसेल में आ रहे हो, सेल्स वाले डिपार्टमेंट में, सेल्स एग्जीक्यूटिव में आ रहे हो, मैनेजमेंट में आ रहे हो, मतलब किसी कंपनी में नहीं, LLC में नहीं, प्राइवेट लिमिटेड में नहीं, कोई सेठ लोगों का जॉब पे आ रहे हो, कोई सेठ आपको मतलब वीजा भेज रहा है, मैं खुद वैसे ही वीजा पे आया हूँ, समझ रहे हो आप लोग। कब ट्रांसफ़र हो जाए और कहाँ आपको भेज दिया जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है कि कब आपको भेज दिया जाएगा, कहाँ भेज दिया जाएगा। मेरी तरह और कल को नहीं भी रहोगे, भाई भी लेटा है, अभी नया बंदा है, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। वही सिचुएशन अभी मेरे साथ हो रहा है। अब चलते हैं जहाँ, वहाँ दिखाता हूँ वहाँ क्या सिचुएशन है, कैसे लोग होंगे और कैसा सब कुछ होगा।